हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दिस लुक। ये एक सॉफ्ट ग्लैम यू नो गोल्डन आई मेकअप लुक है विद बोल्ड लिप्स। मैंने रेड लिपस्टिक यूज़ की है इसके लिए। आप ये लुक किसी भी पार्टी में, फंक्शन में या फिर यू नो वेडिंग में भी कैरी कर सकते हो। बहुत ही ईजी सा एक लुक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं करूँगी मेरी स्किन केयर। तो उसके लिए मैं मेरे क्लीन फेस पे गुड वाइब्स की ग्रीन टी टोनर यूज़ कर रही हूँ। इससे क्या होता है, आपके पोर्स जो है मिनिमाइज़ हो जाते हैं और आपकी स्किन काफ़ी हाइड्रेटेड हो जाती है। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र। तो मॉइस्चराइज़र के लिए मैं ले रही हूँ ब्लॉसम कोचर के एरोमा मैजिक की विटामिन सी लाइटनिंग जेल। ये बहुत ही अच्छा एक मॉइस्चराइज़र है, लाइट वेटेड मॉइस्चराइज़र, जेल बेस है। आप ऑयली स्किन वाले हो तो भी इसके यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये पूरी यू नो आपकी स्किन पर मैट हो जाती है और इसके साथ SPF भी आती है। इसकी जो फुल डिटेल रिव्यू है मैं मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप चेक कर सकते हो। अब बारी आती है प्राइमर की। तो प्राइमर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कलर बार की परफेक्ट मैच प्राइमर। ये बहुत ही अच्छी एक सिलिकॉन बेस प्राइमर है। ये यू नो ये प्राइमर जो है बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है। यू नो पार्टी या फिर फंक्शन में आप जा रहे हो तो यू नो मेकअप जो है लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए और फ्लॉलेस दिखना चाहिए, इसलिए मैं ये जो प्राइमर है इसको यूज़ कर रही हूँ। अब बारी आती है फाउंडेशन की। तो फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल की इनफॉलिबल फाउंडेशन। मेरी शेड है 150 रेडियन बेज। ये एक फुल कवरेज फाउंडेशन है, तो आप इसको बिल्डअप भी कर सकते हो। बहुत ही अच्छा एक फाउंडेशन है, मैट फाउंडेशन है और यू नो लेकिन यू नो पूरी तरीके से आपकी स्किन पे मैट भी नहीं होता। बहुत ही अच्छी वाली एक कवरेज वाली फाउंडेशन है। यू नो पार्टी वगैरह में आपकी यू नो फुल कवरेज वाली फाउंडेशन मैं प्रेफर करती हूँ, तो आज इसलिए मैं यही फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। और उसको मैं एक फ्लैट टॉप ब्रश की मदद से अच्छे से मेरे पूरे फेस पे जो है ब्लेंड कर ले रही हूँ। आज मैं जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ सारे प्रोडक्ट के परचेस लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मेरे वीडियो के जो टाइटल है उस पर आप क्लिक करिएगा, तो उससे क्या होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा, आप चेक कर सकते हो। तो अब बारी आती है कंसीलर की। तो कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे की एब्सोल्यूट कंसीलर इन दी शेड गोल्डन मीडियम। मैं मेरे अंडर आइज पे, ब्रिज ऑफ द नोज़, थोड़े यू नो लिप्स के कॉर्नर्स पे, थोड़ी फोरहेड पे जो है कंसीलर अप्लाई करूँगी। आपके जहाँ जहाँ यू नो डार्क स्पॉट्स है आप वहाँ पे कंसीलर यूज़ करके उन जगह को यू नो कवर अप कर सकते हो। कंसीलर से क्या होता है, एक फ्लॉलेस बेस आता है। अब मैं मेरे पूरे फेस को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ लैक्मे की रोज़ पाउडर इन दी शेड वार्म पिंक। अब मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स की रोज़ इल्यूमिनेटिंग फेस मिस्ट। इसको मैं मेरे पूरे फेस पे जो है स्प्रे करूँगी। इससे क्या होता है, बहुत ही नेचुरल एक लुक आता है और आपकी मेकअप जो है सेट हो जाती है। अब मैं मेरी आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ। तो उसके लिए मैं ले रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की पैलेट रोज़े इन दी एयर शेड है। उसमें से मैं जो लाइट ब्राउन शेड है
उसको मैं एज अ ट्रांजिशन शेड अप्लाई कर रही हूँ, आप देख सकते हो मैं क्रीज पे अप्लाई कर रही हूँ और थोड़ा यू नो बाहर की तरफ इसको ले जा रही हूँ। अब मैं उसी पैलेट में से जो ब्रिक ऑरेंज शेड है उसको ठीक मेरे ट्रांजिशन शेड के नीचे अप्लाई कर रही हूँ और उसके बाद मैं मेरे आउटर कॉर्नर पे जो है ये जो चॉकलेट ब्राउन शेड है इसको अप्लाई कर रही हूँ और मेरे आउटर कॉर्नर को बहुत ही अच्छी तरीके से इंटेंसीफाई कर रही हूँ। अब मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की पैलेट, इसमें से मैं जो गोल्डन शेड है उसको पिक कर रही हूँ और मेरे आईलिड पर जो है अप्लाई कर रही हूँ। आप देख सकते हो कितना पिगमेंटेड आई शेडो है ये, बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में बहुत ही अच्छी एक आई शेडो पैलेट है ये, बहुत ही पिगमेंटेड इसके कलर्स हैं। अब मैं मेरे गोल्डन शेड के साथ जो ट्रांजिशन शेड है और जो चॉकलेट ब्राउन शेड है उसको अच्छे से यू नो ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ वही गोल्डन शेड दोबारा से यू नो मेरे आईलिड पे। अब मैं उसी पैलेट में से जो शैम्पेन शेड है उसको मेरे यू नो मिडल ऑफ द आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ। अब आ रही है लाइनर की, तो लाइनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ NYB के लिक्विड आईलाइनर इन दी शेड ब्लैक, बहुत ही अच्छी एक पिगमेंटेड यू नो लॉन्ग लास्टिंग आईलाइनर है। मैं बहुत ही सिंपल सा एक विंग आईलाइनर ड्रॉ करूँगी जो बहुत ही सिंपल है। अब बारी आती है आईब्रोज की, तो आईब्रोज के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की आईब्रो किट। इसकी रिव्यू जो है, फुल रिव्यू जो है मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप चेक कर सकते हो। मैं इस पैलेट में से जो डार्क ब्राउन शेड है उसको लेकर मैं मेरे ब्राउज की जो गैप्स है उनको फिल कर रही हूँ और जो लाइट ब्राउन शेड है उसकी मदद से मेरे ब्राउज के जो यू नो सामने वाला पार्ट है उसको मैं फिल इन कर रही हूँ। मैं फॉल्सेस नहीं अप्लाई करती तो इसलिए मैं यू नो मेरे आईलैश को आईलैश कर्लर की मदद से कर्ल कर रही हूँ। अब बारी आती है मस्कारा की, तो मस्कारा के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन की लेस सेंसेशनल मस्कारा, ये बहुत ही अच्छा एक मस्कारा है। अब मैं उसी वेट एंड वाइल्ड के पैलेट में से जो लाइट ब्राउन शेड मैंने पिक किया था ट्रांजिशन शेड के लिए उसको मैं मेरे लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं वो जो चॉकलेट शेड है चॉकलेट ब्राउन शेड उसको पिक कर रही हूँ और मेरे लोअर लैश लाइन पे अच्छे से स्मज आउट कर रही हूँ। अब मैं हिलारी रोडा की ये जो ग्लिटर वाली आईलाइनर है इसके मदद से मैं मेरे लोअर लैश लाइन के 1/3 पे अप्लाई करूँगी। अब मैं यूज़ कर रही हूँ काजल, तो काजल के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन की काजल इन दी शेड ब्लैक, इसको मैं मेरे लोअर लैश लाइन पे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ।
अब मैं करूँगी कॉन्टोरिंग, तो कॉन्टोरिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की कॉन्टोरिंग पैलेट इन दी शेड डच दी लेचे। ये बहुत ही अच्छी एक कॉन्टोरिंग पैलेट है, इसकी मदद से मैं मेरे चिन को, नोज़ को, फॉरहेड को और जॉलाइन को कंटूर करूँगी। इससे क्या होता है, कॉन्टोरिंग से आपकी फेस जो है बहुत ही चिजल दिखती है, बहुत ही शार्प दिखती है, बहुत ही अच्छी दिखती है। अप्लाई कर रही हूँ ब्लश, तो ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की कलर आइकॉन ब्लश इन दी शेड मेलो वाइन। ये बहुत ही अच्छी एक यू नो कॉरली पिंकिश कलर है, इंडियन स्किन टोन के लिए बहुत ही अच्छी एक शेड है। मेरी चैनल पे ये जो है इसकी जो डिटेल रिव्यू है आप चेक कर सकते हो। अब बारी आती है हाइलाइटर की, तो हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की मेगा ग्लो हाइलाइटर। ये बहुत ही अच्छी एक यू नो शैम्पेन गोल्ड कलर की हाइलाइटर है, हर स्किन टोन पर ये जो कलर है बहुत ही अच्छे से जाएगी और यू नो बहुत ही यू नो क्रीमी टेक्सचर है इसकी, बहुत ही अच्छी हाइलाइटर है। इससे मैं मेरे फेस के जो हाईएस्ट पॉइंट्स है उसको हाईलाइट करूँगी। अब मैं उसी हाइलाइटर को मेरे ब्राउ बोन पे और मेरे आईज़ के जो इनर कॉर्नर्स है उन पे अप्लाई करूँगी। अब बारी आती है लिपस्टिक की, तो लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वेल की कैटसूट मैट लिपस्टिक इन दी शेड मिसी एंड फियर्स। इट्स अ ब्यूटीफुल रेड कलर, बहुत ही अच्छी एक रेड कलर है। इस लिपस्टिक की भी यू नो रिव्यू मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप चेक कर सकते हो। इस लुक के साथ आप कोई भी लिपस्टिक कैरी कर सकते हो, लेकिन मुझे लगा कि यू नो रेड लिपस्टिक बहुत ही अच्छी तरीके से जा रहा था तो मैंने रेड लिपस्टिक को लगाया। So guys, this is the final look. आई होप आपको ये लुक और ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।